आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हरी मटर की रेसिपी, जो बहुत ही चटपटी, बहुत ही चटाकेदार बनती है और जो बहुत ही जल्दी से बन जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 1 kg मटर लिया है, जिसको हमने छील लिया है और उसके दानों को निकाल लिया है। इसे बनाने के लिए गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में 2 tablespoon ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को गुलाबी होने तक भून लेंगे। ये 1/2 teaspoon जीरा है, जिसे हम डालना भूल गए थे तो हमने अब डाल दिया है। जीरा हो चुका है, अब इसमें हमने 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया है, 1 tablespoon लहसुन और 1 tablespoon अदरक, इसे घिस करके हमने डाल दिया है, 1 pinch हींग डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को भून लेंगे। तो 1 मिनट तक इन सब चीज़ों को हमने भून लिया है, अब इसी में हमने हरी मटर डाल दिया है। हरी मटर को अच्छे से चला करके इसमें हमने 1 teaspoon से थोड़ा सा कम नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और चलाने के बाद हम थोड़ी देर ढक देंगे। मटर ये ताजी मटर है तो बहुत ही जल्दी से पक जाती है, इसको पकने में समय नहीं लगता है, बस 4 से 5 मिनट में ही ये पक कर के तैयार हो जाती है। और ये पक चुकी है तो अब इसमें हमने 1/2 teaspoon आमचूर पाउडर डाल दिया है। अगर आप आमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1/2 teaspoon चिली फ्लेक्स डाल दिया है, चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए। और ये चटपटी चटाकेदार मटर बन करके एकदम रेडी हो गई है। और ऊपर से हमने थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी है। हरी धनिया गार्निश करने के लिए नहीं, बल्कि इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए डाल दी है, क्योंकि ग्रीन मटर है, ग्रीन धनिया तो इसमें पता नहीं चलती है, लेकिन टेस्ट के लिए इसमें हमने हरी धनिया भी डाल दी है। और ये बन करके एकदम तैयार हो गई है। तो दोस्तों, देखा ये कितनी जल्दी से बन करके तैयार हो गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।